Hi friends, welcome to our channel Next Generation Learning. In this video we are going to learn about plant structure and function part 2. जैसे कि हमने पिछले वीडियो के पहले पार्ट में प्लांट स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ द प्लांट में रूट एंड देयर फंक्शन यानि जड़ और उनके कार्य इनके बारे में सीखा, वैसे ही आज हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में स्टीम और लीफ के बारे में सब डिटेल में सीखेंगे। तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट अस स्टार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टीम यानी के तना, इसके बारे में सब डिटेल में देखते हैं। सो पार्ट ऑफ स्टीम, ये रही उसकी डायग्राम। इसमें ग्रोइंग एंड, बर्ड, नोड, लीफ एंड इंटरनोड, ये सभी के सभी स्टीम के सब पार्ट होते हैं। और ये जो स्टीम होता है ये प्लांट का पार्ट होता है। तो चलिए जानते हैं स्टीम के बारे में। द स्टीम ग्रो अबव द सॉइल, ये जो स्टीम होता है ये हमेशा मिट्टी के ऊपर बढ़ता है, ये हमें सभी को पता है। द स्प्राउटिंग सीड प्रोड्यूस फ्लिम्यूल, फ्रॉम द फ्लिम्यूल द स्टीम ग्रो, यानी के जो स्प्राउटिंग सीड होता है यानी अंकुरित बीज, वो फ्लिम्यूल को प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है अंकुर को, और वही फ्लिम्यूल आगे जाकर स्टीम को ग्रो करता है, यानी फ्लिम्यूल स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लेंथ ऑफ स्टीम इंक्रीज एज द स्प्राउट ग्रोज, फ्लिम्यूल और फिर स्प्राउट, ये जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे स्टीम की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, यानी कि स्टीम की लंबाई बढ़ने लगती है। नोड ऑन द स्टीम आर द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लीव्स कम आउट, यहाँ पर नोड क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो स्टीम होता है उन पर जो गाठों जैसा भाग होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसे नोड कहते हैं। और ये नोड वैसे बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज लीव्स कम आउट देयर, यानी कि जो लीफ या लीव्स या फिर ब्रांचेस होते हैं वो हमेशा जहाँ पर नोड होते हैं वहाँ से ही ग्रो होते हैं, इसीलिए नोड इम्पॉर्टेंट होते हैं। बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, यानी कि जो दो नोड होते हैं उनके बीच में जो पार्ट होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक नोड और दूसरा यहाँ पर, इनके बीच में जो पार्ट होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टीम इज कॉल्ड बर्ड, टिप यानी के जो ऊपर का सिरा रहता है उसे स्टीम का एंड पार्ट कहते हैं, यानी ग्रोइंग एंड कहते हैं, और उसे ही बर्ड कहते हैं। जो यहाँ पर कली जैसा पार्ट होता है उसे बर्ड कहते हैं, और वही बर्ड स्टीम का एंड होता है, ग्रोइंग एंड होता है, यह आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टीम के बारे में हमने क्या क्या देखा, स्टीम ऑलवेज ग्रो अबव द सॉइल, मिट्टी के ऊपर बढ़ता है, स्प्राउटिंग सीड प्रोड्यूस फ्लिम्यूल, यानी कि जो अंकुरित बीज होता है वो फ्लिम्यूल को, अंकुर को प्रोड्यूस करता है, और वही फ्लिम्यूल आगे जाकर स्टीम को ग्रो करता है या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे फ्लिम्यूल या फिर स्प्राउट ग्रो होता है वैसे वैसे स्टीम की लेंथ भी इंक्रीज होने लगती है। नोड के बारे में हमने देखा कि नोड कितना इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ नोड होता है वहीं पर ब्रांचेस या फिर लीफ वहाँ पर ग्रो करने लगता है, इसीलिए नोड इम्पोर्टेंट होता है। और बिटवीन टू नोड जो पार्ट होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। वैसे ही जो टिप और एपिकल एंड होता है स्टीम का उसे बर्ड कहते हैं, जो कली जैसा दिखता है। तो ये सारी जानकारी आपको स्टीम के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट इज लीफ। सो पार्ट ऑफ लीफ, ये रही उसकी डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो लीफ, इसमें क्या क्या है, लीप एपेक्स, लीप मार्जिन, वेन, मिड वेन, लीप ब्लेड, उसके बाद पेटोल, स्टिप्यूल, लीप बेस, ये सभी के सभी लीप के सब पार्ट है। और ये जो लीफ होता है ये प्लांट का पार्ट होता है। तो चलिए जानते हैं लीफ के बारे में। लीव्स अराइज फ्रॉम द नोड ऑन अ स्टीम, जैसे कि हमने पिछले ही डायग्राम में देखा कि नोड कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पर नोड होता है लीव्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम देयर, कि वहाँ से ही वो ग्रो करते हैं। जनरली लीव्स आर थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर, ये तो हमें सभी को पता है कि जो लीव
लीफ होता है या फिर लूज होता है वो जनरली हरा होता है, वैसे ही वो पतला और सपाट भी होता है, ये हमें सभी को पता है। लीफ ब्लेड और लैमिना, इसे ही साइंटिफिकली क्या कहते हैं, पर्णपत्र। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जो ब्रॉड और स्प्रेड पार्ट, ये पूरा का पूरा जो ब्रॉड और स्प्रेड पार्ट होता है उसे लीफ ब्लेड कहते हैं। इस पूरे भाग को, ये बहुत ही चौड़ा और फैला हुआ होता है, उसे लीफ ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन यानी के पत्तों का किनारा, उसे हम पत्तों का किनारा कहते हैं, यानी एज ऑफ द लीफ। ये देखिए डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो पत्ता है इसका ये लीफ मार्जिन होता है, यानी कि ये किनारा। और ये लीफ मार्जिन, इसके भी तीन टाइप होते हैं, जैसे कि एंटायर, डेंटेड एंड लोब। इनके बारे में भी हम डायग्राम की मदद से ही देखेंगे। जैसे एंटायर में जो लीफ मार्जिन होता है वो पूरा का पूरा होता है और पूरा लीफ मार्जिन हमें एक जैसा ही दिखाई देता है। दूसरा डेंटेड, डेंटेड यानी कि जो आरी के दांतों जैसा होता है, जो आरी होती है उसके दांतों जैसा लीफ का मार्जिन होता है, यानी किनारा होता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस लीफ में आपको दिख रहा होगा कि इसका जो लीफ मार्जिन है वो डेंटेड है, यानी कि आरी के दांतों जैसा होता है। ये कुछ पत्तों में होता है, कुछ पत्तों में एंटायर होता है और कुछ पत्तों में लोब, यानी कि बहुत से हिस्सों में बटा हुआ। यानी लीफ मार्जिन जो होता है लोब में, वो बहुत से पार्ट में डिवाइड होता है उसका लीफ मार्जिन। तो ये तीनों के तीनों प्रकार आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने हैं, टाइप ऑफ लीफ मार्जिन, एंटायर, डेंटेड एंड लोब। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो लीफ के पार्ट बचे हुए थे सब पार्ट, उनके बारे में। लीफ एपेक्स, लीफ एपेक्स किसे कहेंगे हम, पत्तों का आगे वाला हिस्सा, उसे साइंटिफिकली पर्णाग्र कहते हैं। टिप ऑफ द लीफ यानी कि ये जो पत्ता होता है इसका ये आगे वाला हिस्सा, ये वाला, इसे लीफ एपेक्स कहते हैं। सो इसमें भी टाइप आते हैं, टैपरिंग, पॉइंटेड एंड राउंडेड। टैपरिंग यानी कि पतला, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है ये पतला होता है। पॉइंटेड नुकीला होता है और राउंडेड यानी गोल होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पेटोल, इसे डंठल कहते हैं और मराठी में इसे देठ कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये पेटोल है। सो द स्टाल्क ऑफ लीफ, सम लीव्स हैव पेटोल, सम डू नॉट हैव पेटोल, यानी कि कुछ पत्तों में पेटोल होते हैं और कुछ पत्तों में पेटोल नहीं होते, इतना ही सिर्फ आपको इसमें याद रखना है। लीफ बेस, इसे पर्णतल कहते हैं साइंटिफिकली। ये पर्णतल जो होता है, द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टीम, यानी कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये रहा उसका लीफ बेस, ये स्टीम को अटैच होता है, ये जो पोर्शन होता है ये स्टीम को अटैच होता है और यही लीफ बेस पूरे पत्ते को सहारा भी देता है। इसके बारे में ये आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद स्टिप्यूल, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नियर बाय द लीफ बेस, सम लीव्स हैव स्टिप्यूल, सम लीव्स डू नॉट हैव स्टिप्यूल। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में स्टिप्यूल दिखाई दे रहा होगा, एग्जैक्टली लीफ बेस के नियर बाय रहता है और स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी छोटे पत्तों जैसा भाग होता है, और ये भी कुछ पत्तों में होता है और कुछ पत्तों में ये स्टिप्यूल नहीं होता। तो ये सारी जानकारी लीफ के बारे में आपको याद रखनी है। जैसे कि हमने देखा लीफ एपेक्स क्या होता है, जो लीफ का आगे वाला हिस्सा होता है उसे लीफ एपेक्स कहते हैं। इसमें हमने दो तीन प्रकार यानी टाइप देखे, जैसे कि राउंडेड, पॉइंटेड, ये टाइप हुए। उसके बाद लीफ मार्जिन यानी कि लीफ का जो किनारा होता है उसे लीफ मार्जिन कहते हैं। इसमें भी हमने तीन प्रकार देखे, जैसे कि डेंटेड, लोब और साधारण सा, इस तरह के लीफ मार्जिन के प्रकार होते हैं। उसके बाद लीफ ब्लेड, जो ब्रॉड और स्प्रेड यानि चौड़ा और फैला हुआ पार्ट होता है लीफ का, उसे लीफ ब्लेड कहते हैं। पेटोल, ये कुछ पत्तों में होता है और कुछ पत्तों में नहीं होता। स्टिप्यूल, जो नियर बाय लीफ बेस होता है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे स्टिप्यूल कहते हैं। ये भी कुछ पत्तों में होता है, कुछ पत्तों में नहीं होता। उसके बाद आखिर में आता है लीफ बेस,
सो लीप बेस बेसिकली अटैच टू स्टीम, यानी कि स्टीम को ये अटैच रहता है, वैसे ही ये पूरे पत्ते को सहारा भी देता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सब जानकारी याद रखनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम टाइप ऑफ लीव्स देखेंगे, यानी कि पत्तों के प्रकार। इसमें मेनली दो टाइप आते हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। सो सिंपल लीव्स के बारे में हम जानते हैं, सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड विथ सिंगल मिड रिब, यानी कि जो सिंपल लीफ होता है उसमें जो लीफ ब्लेड होता है वो अनडिवाइडेड होता है, यानी जो पर्णपत्र होता है वो अनडिवाइडेड, उसके कोई भी भाग नहीं होती, वो पूरा का पूरा दिखाई देता है, और उसमें एक ही मिड रिब होती है, एक ही नस होती है। ये आपको याद रखना है सिंपल लीफ के बारे में। उसके बाद कंपाउंड लीफ, लीफ ब्लेड डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल लीफलेट्स, यानी कि जो लीफ ब्लेड होता है, पर्णपत्र जो होता है वो छोटे छोटे पत्तों में बहुत भागों में डिवाइड होता है, वैसे लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। तो ये दोनों की जानकारी आपको याद रखनी है। आगे हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, उसे ही फिलोटैक्सी कहते हैं, यानी कि पत्तों की रचना कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टीम इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट। जैसे कि हमें सबको पता है कि जो पत्ते होते हैं, हर एक पेड़ पर अलग से पत्ते होते हैं और उनकी रचना भी अलग सी होती है। तो अरेंजमेंट के हिसाब से अब हम उनके टाइप देखते हैं, जो हम डायग्राम की मदद से सीखेंगे। सो टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल एंड स्पायरल, ये सब अरेंजमेंट के टाइप है लीफ के। तो चलिए जानते हैं डायग्राम की मदद से। इसमें पहला प्रकार आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी कि इसे हम क्या कहेंगे कि जो अगल बगल में होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एक पत्ता, इसके बगल में ये दूसरा, इसके बगल में ये तीसरा। सो ये लीफ अरेंजमेंट का पहला प्रकार अल्टरनेट, जो अगल बगल में होते हैं। उसके बाद डिक्यूसेट, डिक्यूसेट यानी कि आपस में क्रॉस होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, आपस में क्रॉस करते हैं, इसीलिए इसे डिक्यूसेट भी कहते हैं। तो ये दूसरा अरेंजमेंट का टाइप है लीफ का। और तीसरा आता है अपोजिट, यानी कि ये आमने सामने होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये पत्ता और इसके सामने ये दूसरा, ये और इसके सामने ये तीसरा, ऐसे ही अगल बगल में या फिर आमने सामने पत्ते होते हैं। और चौथा आता है वर, यानी कि ये घुमावदार होते हैं। तो ये चारों के चारों टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम देखते हैं वेनेशन, वेनेशन यानी के उसे नस कहते हैं और मराठी में हम शीर कहते हैं। वेनेशन के दो टाइप आते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन यानी जालीदार नसें, और दूसरा प्रकार आता है इसमें पैरेलल वेनेशन। पहले हम रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में देखते हैं। देयर इज अ सिंगल मिड वेन विच इज इन द मिड लाइन ऑफ द लीप ब्लेड। This make leaf appear to be divided into two hall. The mid vein gives rise to secondary vein. These vein branch and form a network or reticulum. Example, leaves of dicotyledonous plant, pipule. अब देखिए, जो reticulate venation होता है वो dicotyledonous plant में ही होता है। अब डाइकोटिलीडोनस क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एग्जाम उसका एक्सप्लेनेशन देखा। डाइकोटिलीडोनस किसे कहते हैं, जिन पौधों की आयु 2 सालों से अधिक होती है और जिनमें टैप रूट होता है उन्हें डाइकोटिलीडोनस कहते हैं, ओके। और उन्हीं में ही रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है। इसमें सिंगल मिड वेन रहती है और वही उस पत्ते को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, और उसके बाद जो मेन वेन रहती है वहाँ पर सेकेंडरी वेन प्रोड्यूस होती है, और वही सेकेंडरी वेन आगे जाकर ब्रांच एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम, यानी के वहाँ पर जालीदार जो भाग होता है उसे प्रोड्यूस करती है सेकेंडरी वेन। तो आपको अगर रेटिकुलम वेनेशन देखना होगा तो आप पीप्यूल यानी के जो पीपल का पेड़ होता है उसके पत्ते को अब अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन यानी जालीदार जो नसें होंगी वो आपको इजीली वहाँ पर दिखाई देगी। नेक्स्ट यहाँ पर पैरेलल वेनेशन, द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर, दे स्टार्ट फ्रॉम द लीप बेस एंड एंड इन द लीप एपेक्स। एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मोनोकोटिलीडोनस प्लांट,
इसमें मेज। अब मोनोकोटिलीडोनस किसे कहते हैं? जिन पौधों की आयु एक ही साल की होती है और जिनमें फाइब्रस रूट होता है उन्हें मोनोकोटिलीडोनस प्लांट कहते हैं, जैसे कि मेज यानी कि मक्का। सो मक्का इसका जो लीफ होता है इसमें पैरेलल वेनेशन होता है यानी समांतर नसें होती है, ये एक साथ पैरेलल ही बढ़ती है। कहाँ से? लीफ के बेस से लीफ के एपेक्स तक, यानी कि जो लीफ का तल होता है वहाँ से लीफ के ऊपरी हिस्से तक वो पैरेलल ही वेन बढ़ती रहती है। तो ये दो प्रकार या फिर टाइप आपको वेनेशन के बारे में याद रखने हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।